नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी की राह में आपका दोस्त पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम बात करेंगे बजट में जीएसटी पर जो प्रपोज चेंजेस हैं उनके बारे में। हम प्रिंसिपली 9 चेंजेस के बारे में बात करेंगे। सेक्शन वाइज मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। कोशिश कीजिए अगर आपके सामने एक्ट हो तो आप प्रोविजंस को रेफर करें ताकि और बेहतर समझ में आए, वरना मैं तो आपको हर प्रोविजन के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री और बैकग्राउंड बताता ही चलूंगा। सेक्शन 10 में सबसे पहला चेंज आया। सेक्शन 10 जो है वो कंपोजिशन लेवी का है, कंपोजिशन सप्लायर्स के लिए है। उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 में कि अगर आप ये करेंगे तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते, वो करेंगे तो कंपोजिशन नहीं ले सकते, उसमें अभी तक वर्ड था गुड्स अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो कंपोजिशन नहीं ले सकते, अगर आप एग्जम्प्ट गुड्स सप्लाई करते हैं तो कंपोजिशन नहीं ले सकते, अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर पे तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। अब उस सारे वर्ड्स के साथ गुड्स के साथ सर्विसेज एक और वर्ड ऐड कर दिया। इसका मतलब अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करेंगे तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते, अगर आप इन एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज बेचेंगे तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास थ्रू गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं तो भी आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। ये पहला चेंज था सेक्शन 10 में। दूसरा चेंज जो है वो सेक्शन 16 में है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 एक टाइम बारिंग की सिचुएशन बताता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का कब तक ले सकते हैं। प्रोविजन ये है कि आप 31 मार्च 19 का क्रेडिट जो है वो उसके फॉलोइंग ईयर में जो 3B जाता है, 3B जो सितंबर की 3B है उसकी ड्यू डेट तक आप 31 मार्च 19 का क्रेडिट ले सकते हैं। सिचुएशन ये है, यहां पर एक पर्टिकुलर प्रोविजन एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो है वो ये है कि आपका अगर इनवॉइस मार्च 19 तक का है तो उसका क्रेडिट आप जो है सितंबर 19 की 3B की ड्यू डेट तक क्रेडिट ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेबिट नोट है तो उसका क्रेडिट भी जो है आप जो है सितंबर 19 तक ले सकते थे। यहां पर प्रोविजन था कि कोई डेबिट नोट जो है उसकी डेट हम लिंक करते हैं हमेशा इनवॉइस के साथ। अगर मान लीजिए आपने 31 मार्च 19 का कोई इनवॉइस है और उसका डेबिट नोट आज जनवरी 20 में आपने इशू किया, जनवरी 20 में जो डेबिट नोट इशू किया वो इनवॉइस परटेन करता है मार्च 19, इसका मतलब मार्च 19 का क्रेडिट है लेकिन जनवरी 20 में डेबिट नोट आया, डेबिट नोट से क्रेडिट अराइज होता है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन ये कहता है कि जो जिस भी डेट का इनवॉइस है उसी डेट से आपका टाइम बारिंग शुरू होगा। मतलब अगर मार्च 19 का क्रेडिट है तो मार्च 19 का क्रेडिट तो आप 20 अक्टूबर 2019 तक ले सकते थे, और डेबिट नोट तो अराइज ही जो है वो जनवरी 20 में हुआ है, तो बड़ी अजीब सी अनोमली थी, क्रेडिट मारा जा रहा था। तो इसलिए इस प्रोविजन में ये चेंज लाए हैं कि जो ये डेबिट नोट जनवरी 20 में इशू किया है आपने, इसकी जो लिंकिंग जनवरी इसकी जो लिंकिंग मार्च 19 तक के इनवॉइस से है उसको हटा दिया जाए, उसको डीलिंक कर दिया जाए। अब आपका जो मार्च 19 का जो इनवॉइस है वो जो जनवरी 20 में बना है डेबिट नोट जिसका, उसकी डेट मार्च 20 से सितंबर 20 तक की रिटर्न तक आप ले सकते हैं। मतलब जो उसकी लिमिट है, जो उसका पीरियड है वो 18-19 करने के बजाय उसको 19-20 कर दिया। एक ये रिलीफ है सेक्शन 16 का, ये चेंज है। सेक्शन 29 में अगला चेंज है, आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया आपने, बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, आपको लगा कि मेरा थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाएगा या सेक्शन 24 में जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो मैं मीट कर लूंगा, आपने उसके बाद उसको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने। भविष्य में ना आपका थ्रेशोल्ड इंक्रीज हुआ, ना ही आपका कुछ और एक्टिविटी हुई, धंधा आपका कम रहा, आप उसको कैंसिल करवाने जाते हैं। प्रोविजन है ही नहीं कानून में कि अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप कैंसिल नहीं करवा सकते। इस प्रोविजन को अमेंड किया गया, अब यह प्रोविजन डाल दिया गया कि अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो भी आप अपने आप से जाकर उसको कैंसिल करवा सकते हैं अगर आप नॉट लायबल टू टैक्स हैं। मतलब आपका सेक्शन 22 में भी लायबिलिटी नहीं है और सेक्शन 24 में भी लायबिलिटी नहीं है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था, भविष्य में भी आपकी 22 और 24 की लायबिलिटी नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, आप जाइए और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लीजिए। सेक्शन 29 का ये चेंज था। अगला चेंज जो है, जो चौथा चेंज है, सेक्शन 30 का चेंज है, 30 का चेंज है।
सेक्शन 30 में रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, सेक्शन 29 में कैंसिलेशन की बात हो रही है, सुओ मोटो कैंसिलेशन, 6 महीने की रिटर्न आपने फाइल नहीं की, सेक्शन 29(2) में सुओ मोटो आपको शो कॉज आ गया प्रॉपर ऑफिसर ने कि आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। आप 30 में, सेक्शन 30 में आपके पास रेवोकेशन कराने की पावर है, लेकिन 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ शो कॉज इश्यू, 30 दिन बीत गए, अब आपके पास कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है कि आप अपना कैंसिलेशन जो है रिवोक करा सकें, आपको अपील ही फाइल करनी पड़ेगी, इनफैक्ट रिट फाइल करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में। उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो प्रपोज चेंज है वो ये है कि अब 30 दिन के बाद अगर आपके 30 दिन निकल भी गए तो एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर डिजर्विंग केसेस पर उसको फर्दर 30 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर भी अगर 30 दिन दोबारा निकल गए तो कमिश्नर जो है फर्दर अगर डिजर्विंग केस उसे लगेगा तो और 30 दिन एक्सटेंड कर सकता है आपको शो कॉज की रिप्लाई करने के लिए, रेवोकेशन फॉर कैंसिलेशन अप्लाई करने के लिए। तो टोटल 90 दिन हो गए आपके पास फ्रॉम द डेट ऑफ शो कॉज, बट ये 60 दिन का पीरियड इन्वोक होगा डिजर्विंग केसेस के लिए। दिस वॉज द चेंज इन सेक्शन 30। सेक्शन 31 में अगला चेंज, सेक्शन 31 इनवॉइस का सेक्शन है। हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से ई इनवॉइसिंग आ रही है जिसकी भी ग्रॉस टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से, एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर है। गुड्स के लिए इनेबलिंग सेक्शन, इनेबलिंग पावर थी कि आप ई इनवॉइसिंग करवा सकते हैं, सर्विसेज के लिए इनेबलिंग पावर एक्ट में नहीं थी। इस सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 को अमेंड कर सरकार ने अपने लिए इनेबलिंग पावर जनरेट की है एक्ट के द्वारा, जिसमें वो ई इनवॉइसिंग इन केस ऑफ सर्विसेज भी करवा सकते हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 122 और 132, दोनों पेनल्टी के सेक्शन है। एक है सेक्शन 122 पेनल्टी, ऑफेंसेस की पेनल्टी, और एक है पनिशमेंट 132 में ऑफेंसेस जो है आपने गलत सप्लाई किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लिया, उसके लिए एक चेंज जो प्रपोज किया गया है कि उस व्यक्ति को भी पनिश किया जाएगा जिसके इंस्टांस पर ये ऑफेंस हुआ, वो कॉजेज द एक्चुअल अकरेंस ऑफ द इवेंट दैट ऑफेंस, उसको भी पनिश किया जाएगा। सेक्शन 132 में भी ये लिखा गया कि जिसके कारण, जिसकी वजह से ये ऑफेंस हुआ उसको भी पनिश किया जाएगा। जो रियल बेनिफिशियरी है, जिसको इसका बेनिफिट रिटेन किया, जिसने इस पर्टिकुलर चोरी का, बोगस बिलिंग का, फेक इनवॉइसिंग का, उसको भी बुक किया जाएगा, उसको भी पनिश किया जाएगा सेक्शन 132 में। ये चेंज सेकंड लास्ट चेंज सेक्शन 140 का है, जिसमें ट्रांजिशनल क्रेडिट है। बहुत सारे कोर्ट जजमेंट्स आए, उस कोर्ट जजमेंट्स को इफेक्ट देने के लिए सरकार ने सेक्शन 140 में चेंज लाए और उन्होंने कहा कि ट्रांजिशनल क्रेडिट हम प्रिस्क्राइब करेंगे प्रोसेस कि ट्रांजिशनल क्रेडिट फ्यूचर में अब आप अभी भी कैसे ले सकते हो। वेट एंड वॉच आपके लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट का, जब जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर आएगा मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। लास्ट चेंज नाइन्थ चेंज सेक्शन 172 में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर का इशू करने का जो पावर था गवर्नमेंट के पास, वो 3 साल है फ्रॉम द अपॉइंटेड डे 1 जुलाई 2017। उस 3 साल को अमेंड करके 5 साल कर दिया। अगर भविष्य में भी सरकार को लगता है कि कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट को इंप्लीमेंट करने में उनको समस्या आ रही है तो बाय वे ऑफ जर्नल और स्पेशल ऑर्डर वो कोई भी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर ला सकते हैं और एक्ट को चेंज कर सकते हैं और इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। ये टोटल 9 चेंजेस थे दोस्तों जो बजट में जीएसटी में प्रपोज हुए हैं। इनका इफेक्ट जो है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।